Hello, dear student. Today we will discuss the induced EMF and induced current. In the syllabus, the introduction of electromagnetic induction, then Faraday's law of electromagnetic induction, then Lenz's law. Lenz's law, टेक्स्ट बुक में देखना है ना, Lenz's law and conservation of energy. और पेज नंबर 211, 6.4, 6.5, ये दोनों एग्जाम्पल को बढ़िया से पढ़ के समझना है, Lenz's law के आधार पर है. तो उसके बाद जो सिलेबस में है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट. क्या है, व्हाट इज देयर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट है ना, इसके बाद जो है आता है ईएमएफ नहीं ईडी करंट. तो वो देखेंगे लास्ट नेक्स्ट वीडियो में. तो इंड्यूस्ड करंट जो है दैट इज नॉट परमानेंट. इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लास्ट एज लॉन्ग एज द देयर इज ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल. इफ द चेंजिंग स्टॉप द करंट विल इंड्यूस्ड ईएमएफ, एज ए रिजल्ट induced current will disappear. So by how many ways the induced current can be produced? Now there are three ways. There are three ways to produce the induced EMF. इन्हें क्वाइल ये तीन तरीके से कर सकते हैं. इसमें से एक तरीका हम लोग देख चुके हैं. एक तरीका क्या देख चुके हैं, बाय चेंजिंग व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ चाहे फील्ड लाइन्स का या फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स या सिर्फ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल, लिंक विद ए कॉइल या क्लोज्ड सर्किट जो कहा गया क्लोज्ड सर्किट. ये वाला हम लोग फैराडे लॉ में पढ़ चुके हैं. इंड्यूस ईएमएफ बराबर कितना था, माइनस एन डी फाई बाय डीटी है ना. The rate of magnitude of the induced EMF, the difference upon the rate of change of magnetic flux linked to the coil. तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है, by changing area of the coil, इसमें flux change नहीं करना है, तो field constant रहेगा. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके जो है लोग उसका कॉइल का एरिया को बढ़ा करके बढ़ाएंगे तो फील्ड लाइन बढ़ेगा, घटाएंगे तो फील्ड लाइन घटेगा. इंक्रीज डिग्री हो गया मैंने. तो ऐसा करके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर कितना होगा, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इस ईएमएफ को कहेंगे मोशनल ईएमएफ. क्या कहेंगे, मोशनल ईएमएफ मतलब ई बराबर निकालेंगे, अभी निकालेंगे ये हो जाएगा कितना बी एल बी, यहाँ बी जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी होगा स्पीड ऑफ द कंडक्टर है ना. ये हम लोग पढ़ना है. और तीसरा तरीका है बाय चेंजिंग द
orientation, orientation, orientation of a coil. Coil का orientation क्या होता है? मान लो पहले coil ऐसे है, 90 degree जा रहा है, इसको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे. Orientation change करेंगे? मतलब धागे ये वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल थीटा है उसको चेंज कर सकते हैं. क्वाइल है ना, ओरिएंटेशन से कहा क्वाइल है विद एंगल थीटा है ना, थीटा बिटवीन किसका है, बिटवीन बी एंड एफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल को चेंज कर सकते हैं. ये काम होता है एसी जनरेटर में, जो आगे हम लोग देखेंगे. एसी जब पढ़ेंगे उसके बाद एसी जनरेटर देखेंगे, ट्रांसफार्मर से उसमें हम लोग देखेंगे. उसमें जो ईएमएफ पैदा होगा उस ईएमएफ का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना. ओरिएंटेशन चेंज करके जो ईएमएफ पैदा होता है इंड्यूस ईएमएफ है ना. इसमें जो क्वाइल में इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ जिस वन ओमेगा टी, जहाँ इसका वैल्यू होगा एन एन ए बी ओमेगा. एन होगा नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, ए होगा एरिया ऑफ द फेस ऑफ कॉइल, बी होगा मैग्नेटिक फील्ड और ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल. ओरिएंटेशन चेंज होगा. मान लो पहले ऐसे है, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, किसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उस केस में यही प्रिंसिपल बनेगा किसका, एसी जनरेटर का बनेगा. राइट है, तो दीज आर द थ्री वेज टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ. यहाँ पर देखो साइन आ गया, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ जो है इस तरह होगा, ऐसा ऐसा होगा और ये मैक्सिमम ई नॉट जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ई नॉट होगा, इस तरह का नेचर का होगा. इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव वोल्टेज या अल्टरनेटिव ईएमएफ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर यहाँ से यहाँ तक कैपिटल रोटेशन, ये हो गया बी बाई टू. फिर इस तरह हर एक टाइम इंटर के वन बार वो रोटेशन चेंज हो रहा है, इसी चीज़ का नाम अल्टरनेटिंग वोल्टेज. और इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जो करंट पैदा होगा उसका नाम देंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा. राइट, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले देखेंगे ये जो आज पढ़ना है ईडी करंट पहले वो देखेंगे दिस वन सी. राइट, ये हम लोग देखेंगे क्या है इंटू बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द क्वायर, इससे जो ईएमएफ पैदा होगा इस विल कॉल्ड मोशनल ईएमएफ. क्या होगा, इस विल कॉल्ड मोशनल मोशनल ईएमएफ. अपना टेक्स्ट बुक में देखोगे तो मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 212 में मिलेगा. मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये मोशनल इलेक्ट्रिक. राइट, और ये वीडियो देखना है जब सामने में टेक्स्ट बुक खोल लेना है, टेक्स्ट बुक को बगल में रखना है, वीडियो देखना है और एक कॉपी में तुम लोगों को सबको बोले हैं एक छोटा सा कॉपी है ना खरीदना है और 20 रुपया का उस पर सारा वीडियो को सीरियली जो है देख करके उसमें नोट करना है, एक नोट्स बन जाएगा. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12 है ना. और जो बाकी तुम लोग अदर चैनल देख रहे हो उसको देखो है ना, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व हो रहा है, इसमें कोर्स खत्म करना है. राइट, तो नाउ तो व्हाट इज मोशनल ईएमएफ. मोशनल से पता है मोशन में रहना चाहिए कंडक्टर को, तभी उसके अक्रॉस में जो ईएमएफ पैदा होगा उसको मोशनल ईएमएफ कहेंगे. द ईएमएफ इंड्यूस्ड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड होना दूसरे से प्रेरित होना, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, एंड ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अक्रॉस में ईएमएफ इंड्यूस होता है किसके कारण से, ड्यू टू इट्स मोशन, इसका मोशन के कारण. कहाँ मोशन करेगा, इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब ये मोशन करेगा तो उसके अक्रॉस जो ईएमएफ पैदा होगा उसको मोशन ईएमएफ कहेंगे. डेफिनेशन एक दो बार लिख करके उसको मेमोराइज कर लेना.
सपोज करो हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ऐसा करके बना दिए, हम पहचान जाएंगे कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, यू कैन आइडेंटिफाई दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर डॉट वाला होगा ऐसा ऐसा होगा तो ये तो यूनिफॉर्म है, इक्विडिस्टेंस है, यूनिफॉर्म है, ये आउटवर्ड आएगा, ये इनवर्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को हम लोग रख देते हैं, तो कंडक्टर को रख देंगे, मान लो ये कंडक्टर ऐसा है, दिस इज ए कंडक्टर लाइक दिस, कंडक्टर इज हियर, ऊपर में पी और इसमें क्यू, इसकी लंबाई क्या है एल है, ठीक है। इस कंडक्टर को रेस्ट में अगर रख दें, ऐसे रख दें फील्ड में, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जब इसको मूव कराएंगे, इधर मूव कराएं चाहे इधर मूव कराएं, तब इसके अपोस में ये वाला मान लो पॉजिटिव एंड हो जाएगा, ये वाला क्या होगा नेगेटिव होगा, बाय लॉरेंट फोर्स से हम लोग उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज करो कंसीडर ए कंडक्टर और कुछ लेंथ इज प्लेस हियर एंड देयर इज अ कंडक्टिंग रेल की बात कर देते हैं, ये जो एक रेल है, यू टाइप रेल है ना, इसी के ऊपर में यह कंडक्टर क्या होगा, ऐसे जाएगा, जिस पर सरकता है उसको रेल कहते हैं, ये अच्छा है। तो लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ अ लेंथ कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जी है ना, फील्ड जी में रखा हुआ है ना, ओवर अ कंडक्टिंग रेल पर रखा हुआ है, ये हो गया पी क्यू, इसको आर बनेंगे आर एस, तब ये क्या बन गया, रेक्टेंगुलर क्लोज लूप बन गया, कंडक्टिंग रेल के ऊपर रखा हुआ है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, यूनिफॉर्म में तो वेरी कैसे करेगा, राइट। तो नाउ द व्हेन पी क्यू, जब व्हेन है, जब ऐसा करेंगे पी क्यू इज मूव्ड किधर, मूव टू राइट की ओर मूव कराएगा, माने इधर से हम उसको पकड़ करके इधर मूव कराएगा, वेलोसिटी भी विथ वेलोसिटी भी, वेलोसिटी के साथ मूव कराएगा, वेलोसिटी भी के साथ। तो जैसे इसको मूव कराएंगे, ऐसे मूव कराएंगे तो क्या होगा, इसका एरिया बढ़ेगा, मतलब अभी इससे हमें जाने वाला फील्ड क्या है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसको मूव कराएंगे तो यहाँ आ गया, मान लो कंडक्टर आ गया इस जगह आ गया, तब इससे क्लोज लूप में फील्ड क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इसको मूव कराएंगे लेफ्ट की ओर, अभी 5 है तो घट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर राइट मूविंग मूव राइट और लेफ्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिंक विद द लूप विल इंक्रीज और डिक्रीज, फिर ये रेगुलर कंडक्टर ये एल है तो ये भी एल होगा, और यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लेते हैं, तो इसका एरिया कितना है, एरिया कितना है, एरिया ऑफ द इनिशियली एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप कौन सा लूप भाई, पी क्यू आर एस बराबर एल इंटू एच देंगे, क्या देंगे, लेंथ हो गया एल और एक्स हो गया एरिया हो गया। और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी है, तो बताओ इससे कितना फ्लक्स जाएगा, हाउ मच फ्लक्स विल गो, तो फ्लक्स बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्वायल रेक्टेंगुलर क्वायल कौन सा क्वायल, पी क्यू आर एस फाइव बराबर क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए,
ये तो फ्लक्स का ये है, लेकिन फॉर्मूला है, ये क्या है, एरिया ऑफ एन कॉइल, एरिया ऑफ दिस लूप। नाउ दिस इक्वल टू बी, तो बी है, ए का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वेट इज हियर एल इन टू एक्स, तो दिस इज द बी एल एक्स है, कितना फ्लक्स जा रहा है। इसमें एक टर्म तो नहीं होगा, बहुत सारा टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा ना, तो बाय फैराडे लॉ इसको मूव कराएंगे तो एरिया क्या आपका बढ़ेगा, बाय फैराडे लॉ, लॉ ऑफ क्या, ईएमआई से क्या होगा, बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर माइनस क्या होता है डी फाई बाई डी टी, क्योंकि एक लूप है, ये जो है ना एक ही वायर है, नंबर ऑफ टर्न एक ही है, तो फाइव का वैल्यू कितना है माइनस, ये जैसे नेगेटिव साइन क्या शो करता है लैंग्वेज क्लास में, अपोजिंग है ना, नेगेटिव साइन जो है वो अपोज या अपोज करना दिखाता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना लेंगे, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी हाउ मच, तो इसको क्या करेंगे डी बाई डी टी फाइव का वैल्यू कितना है, दिस इज द बी एल एक्स, नाउ दिस इक्वल टू बी, तो कभी चेंज नहीं होगा इन फॉर है, तो माइनस बी, और ये एल जो है लेंथ भी चेंज नहीं होगा, चल रहा कंडक्टर को आगे पीछे मूव कराओ प्रॉब्लम कितना डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी को क्या कहते हैं, डी एक्स बाई डी टी मतलब हो गया बी, तो ये फिर हो जाएगा माइनस बी एल, और ये हो गया बी, ये तो नेगेटिव साइन शो करता है क्या अपोजिशन, इसका मैग्नीट्यूड दे लेंगे, टेक इट्स मैग्नीट्यूड, व्हाट विल यू डू हियर, द वैल्यू विल बी हाउ मच, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज द पीएमटी, तो दिस इज द इंडिविजुअल नेगेटिव साइन शो करेगा अपोजिशन, राइट। इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो है एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ड्राइव दिस एक्सप्रेशन निकाल देने से ठीक है, थ्री मार्क्स के अंदर मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग इंड्यूस्ड करेंट का, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा ही पक्का, और ये कंडक्टिंग रेल है, ये इसका रेजिस्टेंस को हम लोग जीरो मानते हैं, मान लो रेल जो बनाना है ना, कॉपर का रेल बनाना है या एल्यूमिनियम बनाना है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत कम होता है, तो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस ईएमएफ को क्या कहते हैं, दिस इज द मोशनल ईएमएफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर मालूम होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मालूम होगा, कंडक्टर कितना स्पीड से मूव कर रहा है वो मालूम होगा, रख देंगे तो पक्का निकल जाएगा उस कंडक्टर के एंड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो पहला हो ऊपर पॉजिटिव हो गया मान लो, नीचे नेगेटिव, इसको अगर हम जोड़ देंगे किससे, बल्ब से जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो करंट फ्लो हो जाएगा, तो ये जलना शुरू हो जाएगा, है ना, जब तक मूव करेगा तब तक जलेगा, और जब मूव करना बंद ईएमएफ खत्म तो करंट सप्लाई नहीं करेगा। अब बात करेंगे कितना इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट बराबर इंड्यूस्ड करंट कितना होगा उसको निकालना है, तो ये आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पी क्यू व्हिच मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड बी में जो मूव कर रहा है, तो करंट बराबर क्या हो, करंट बराबर ईएमएफ बाय कितना रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ कितना है बी एल वी है बाय कितना हो जाएगा आर, तो इस तरह से अगर ये जो कंडक्टर को मूव कर रहा है इसका रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा तो कितना करंट पास हो रहा है, ये पॉजिटिव हो गया तो इस तरह करंट आएगा ऐसे जाएगा, ये अगर पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे जाएगा, तो ये मान लो बाहर जाने से ऐसे आ रहा है तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो ऐसे जाएगा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। अब बताना है ये जो मूव करता है तो कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, करंट का डायरेक्शन क्या है, फील्ड ऐसा है, फील्ड इज लाइक दिस इनवर्ड राइट, और करंट जा रहा है इसे इधर से आया, आने के बाद क्या घुसेगा, ऐसे ना घुसेगा,
था ना ये पूरा हो रहा, करंट जा रहा है इसमें, तो इस कंडक्टर को फोर्स किधर लगेगा? अंदर की ओर लगेगा फोर्स। पढ़ा इसके पहले फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन द कंडक्टर कितना होगा? फोर्स ऑन द कंडक्टर है ना, ये निकालना है। तो फोर्स बराबर क्या है? कंडक्टर कंडक्टर का या मूवेबल आर्म, या इसको कहेंगे मूवेबल आर्म। कौन सा है? पी क्यू है। ये सब मूव नहीं करता है, ये तो फिक्स रहेगा, यही मूव करेगा। ये अगर बाहर जाएगा तो ये इसको अंदर की ओर फिर फोल्ड होगा। किसी का नेचर होगा, नेचर ये किसी का मैन मेड नहीं है, इट इज गॉड गिफ्टेड, इट इज द नेचर ऑफ द नेचर। पहले भी हम लोग देखना है, ये अगर मान लो क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है करंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स इधर लग रहा है, यानी इधर जैसे ही खींचेंगे नेचुरली पीछे की ओर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। खींचना बंद कर दो, फोर्स डिसअपीयर हो जाएगा। अब उस फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हिच इज द फंडामेंटल यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, ये कभी वायलेट अगर हुआ तो ये नेचर नहीं रहेगा। तो फोर्स ऑन द मूवेबल कंडक्टर बराबर, बराबर कितना होगा? यह बराबर कितना होगा? दिस इज इक्वल टू फोर्स निकालना है, यह बराबर होता है आई एल बी कितना साइन ऑफ थीटा। लेकिन देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और किसका करंट के बीच में फोर्स के बीच में कितना एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब ये थीटा का वैल्यू यहाँ क्या होगा? थीटा वैल्यू विल बी 90 डिग्री। याद करो फोर्स ऑन द कंडक्टर मूविंग प्लेस्ड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड आई एल बी साइन थीटा। किस किस से निकाले थे? लॉरेंट फोर्स के माध्यम से निकाले थे। अभी आज जो है इसको देखने के पहले जैसे लॉरेंट फोर्स बराबर होता था क्यू वी क्रॉस वी, राइट है, और ये बराबर क्यू वी बी कितना साइन थीटा है। तो और इसी को जो है हम लोग अगर कर दें कितना क्यू का मतलब क्यू होगा, वी का मतलब हो जाएगा एल बाई टी, और ये बी साइन ऑफ थीटा, राइट, उसी से निकाल लेंगे। हाँ उसी से हम लोग निकालेंगे एल बी कितना साइन ऑफ थीटा। यहाँ अगर कर दें क्यू बाई टी एल बी साइन थीटा, क्यू बाई टी मतलब चार, क्यू बाई टी मतलब चार बाई टेन की सीधा करें एल बी साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखे हैं। तो ये देखो ये थीटा 90 मतलब हो जाएगा आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री, इज वैल्यू बिकम वन द फोर्स ऑन द कंडक्टर मूवेबल आर्क ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप दिस बिकम आई एल बी। जस्ट यू रिमेम्बर द वैल्यू ऑफ आई बिफोर दिस यू हैव कैलकुलेटेड, क्या निकाले हैं बी एल बी बाई कितना निकाले आर, तो आई की जगह पर रख देंगे एल बराबर बी एल बी बाई आर इंटू कितना एल बी, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू बी, दिस मच फोर्स द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस व्हेन इट विल बी मूव्ड टुवर्ड्स राइट, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, व्हेन इट विल बी मूव्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट द इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स राइट। मतलब जैसे मूव करेंगे अपोजिशन में फोर्स होगा, मतलब उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना है, किसको हमको तुमको करना है, तभी ये जो है नेचर बैलेंस होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। अब इस कंडीशन में जो है अब तुम लोगों को देखना है, यू विल सी दैट इसके बाद जैसे पेज नंबर एक टेक्स्ट बुक का देखेगा 215 में आई का वैल्यू दिया है एनर्जी कंजर्वेशन ए क्वांटिटेटिव स्टडी,
और एफ का वैल्यू निकाला हुआ है। अब इसमें पावर कितना खर्च होगा, पावर मतलब देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर कितना खर्चा होगा। तो जैसे इसको खींचेंगे पावर क्या करना है, डिलीवर करना है, तो पावर डिलीवर, पावर डिलीवर, डिलीवर्ड बाय क्या, पावर डिलीवर बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स को कितना पावर लगाना है, बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर बराबर फार्मूला याद करो इलेवन क्लास का, पी इक्वल टू कितना, फोर्स रेट ऑफ डूइंग वर्क इक्वल पावर, ठीक है। रेट ऑफ वर्क डन मतलब कितना हो गया, वर्क डन का मतलब क्या हुआ, फोर्स इनटू, फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय टी, मींस क्या एफ इनटू एक्स बाय टी, मतलब कितना हो गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी इक्वल वर्क ऑफ पावर, है ना, लेकिन से याद रखेंगे। तो पावर बराबर फोर्स कितना डेवलप हुआ है इधर, एफ, कितना वेलोसिटी से बाहर निकाले हैं, जी। तो पावर जो कितना डिलीवर करना होगा एक्सटर्नल फोर्स को, इसको बाहर किसने दिया, रेस्ट में है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, जैसे खींचेंगे उधर से निकालेगा, दिस इज द नेचर ऑफ द नेचर, राइट। तो दिस इज एफ का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन 2 में, 3 में देखो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी बाई कितना आर इंटू क्या हो जाएगा, बी पहले से आर है, तो पावर डिलीवर्ड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर, राइट, इतना पावर डिलीवर्ड हो रहा है। लेकिन पावर डिलीवर कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंसी, खींचने वाला चीज, इसमें पावर डिसिपेट कितना होगा, खर्च करना होगा, पावर डिसिपेटेड, पावर डेसी है ना, डिसिपेटेड मतलब लॉस है ना, बाय कितना, जूल्स लॉ है ना, जूल्स लॉ ऑफ आवर हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट से। तो जैसे ही इसको खींचेंगे इसमें करंट पैदा हो जाएगा, करंट जब रेजिस्टर से जाएगा तो क्या होगा, पावर लॉस होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, कंडक्टर जो है गर्म होगा, तो कितना पावर होगा, इसको कहते हैं पी जे, मतलब जूल्स लॉस, क्या हो गया, जूल्स लॉस बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, आई का वैल्यू मालूम है कितना है, क्वेश्चन में ये बी एल बी बाय क्या है, आर का होल स्क्वायर इंटू आर, सॉल्व करेंगे तो ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर और क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो रहा, आर स्क्वायर, एक आर कटेगा तो डिवाइड बाय आर आ जाएगा, है ना। तो ये हाँ सेम आ रहा है, डिलीवर किया एक्सटर्नल फोर्स जितना उतना ही क्या हुआ, पावर लॉस हुआ, है ना, कि पावर लॉस कहाँ होगा, अरे बाबू यहाँ बल्ब लगा कर देंगे, खींचेंगे बल्ब जलेगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, लाइटिंग इफेक्ट होगा। तो ये इससे साबित हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जितना पावर डिलीवर हुआ उतना पावर डिसिपेट हुआ, मैंने कन्वर्ट हुआ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मैकेनिकल और दिस मैकेनिकल एनर्जी व्हिच वाज नीडेड टू मूव द आरपीक्यू इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे साबित हो रहा है द मैकेनिकल एनर्जी जितना चाहिए मूव करने के लिए उतना ही इसमें होगा, केमिकल एनर्जी में खर्च हो जाएगा। ये पेज नंबर 216 हम दिखा रहे हैं टेक्स्ट बुक में, ये 216 जो है, ये पेज नंबर देखो, ये पेज नंबर 216 टेक्स्ट बुक का, और टेक्स्ट बुक को जो है बाइबिल बनाने ला है, अगर नीट क्वालिफाई करना हो और जेई मेंस करना हो और अदर सब पढ़ो जरूरी है। तो इसमें देखो पहला लाइन है, मैकेनिकल एनर्जी व्हिच वाज नीडेड टू मूव आरपीक्यू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ देन टू थर्मल एनर्जी, और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, एग्जाम्पल जो है 6.8 को बहुत बढ़िया से पढ़ के समझना है, कभी कभी 3 मार्क्स में सीबीएसई में पूछ देता है, राइट। अब नेक्स्ट में हम लोग ईडी करंट पढ़ेंगे, और ऑल ऑफ यू मेक द टेक्स्ट बुक एज ए पाई है ना, एंड उसका एक एक वर्ड को जो हिफ्ज कर लेगा हाफिज बन जाएगा, हाफिज ए टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ही कैन क्रैक जे मीन्स और वॉट नीट। ओके, थैंक यू।